पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। नीतीश और लालू के बीच झगड़े और विवाद को लेकर लालू प्रसाद यादव ने चुप्पी तोड़ दी है। बता दें आपको कि इंडिया गठबंधन की बैठक के बाद ये बातें और ये चर्चाएं उठनी शुरू हो गई थी कि लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार के बीच सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है, क्योंकि नीतीश कुमार से वादा किया गया था कि प्रधानमंत्री का उम्मीदवारी नीतीश ही तय करेंगे। लेकिन इन तमाम चर्चाओं के बीच में जिस तरीके से नीतीश कुमार को लेकर बातें सामने आई, नीतीश ने इंडिया गठबंधन की प्रेस कॉन्फ्रेंस छोड़ के अपने आवास पे चले गए थे, दिल्ली के आवास पे, जिसके बाद से चर्चाएं तेज हो गई थी कि लालू प्रसाद यादव और नीतीश के बीच दूरियाँ बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। इधर नीतीश कुमार आज पटना लौट गए हैं, कई कार्यक्रम थे, हालांकि मीडिया कर्मियों से बातचीत उन्होंने नहीं की, लेकिन जिस तरीके से नीतीश कुमार की चर्चाएं बिहार के राजनीति गलियारे में चल रही हैं कि 29 तारीख को एक बड़ी बैठक नीतीश कुमार कर सकते हैं और राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में कई तरह के फैसले नीतीश लेंगे, बेहद खास बैठक होने वाला है। इस बैठक से बिहार की राजनीति पर क्या असर पड़ेगा, इसको हम बार बार बता रहे हैं। लेकिन अब देखिए, लालू प्रसाद यादव ने चुप्पी तोड़ दी है, कह दिया है कि हमारे बीच क्या रिश्ते हैं, क्या वाकई में झगड़ा हुआ है, क्या नीतीश और लालू के बीच सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है। जरा सुनिए लालू प्रसाद यादव क्या कह रहे हैं तमाम विषयों पर। इंडिया गठबंधन की जो बैठक हुई बहुत पॉजिटिव हुई और कॉर्डियल एटमॉस्फेयर में हुआ, और ये मीडिया के जो लोग हैं बिके हुए हैं एकदम नरेंद्र मोदी से, चाहे जो भी हम लोग तय करें उन ये उनका तय है कि उल्टा बात बोलना, उल्टा प्रोजेक्ट करना। कोई भी ये कहा गया उसमें कि लालू प्रसाद और नीतीश कुमार दोनों नाराज है, बैठक से उठ कर चले गए, बैठक ख़त्म हो गई, सब आदमी प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं जाता है, जो लोग हैं कम ही लोग जाते हैं, जो बोलना है और जो बात हुई वो सब बात बोला गया। अब ये तय ये हो चुका है कि एकदम सीट का बंटवारा जल्दी से कर देना है और आगे इसको आगे तेजी से बढ़ाना है। ललन सिंह बिल्कुल 15-20 दिन में हो जाएगा बंटवारा सीट। हाँ, ठीक बोले हैं, ये इतना तेजी से नीतीश कुमार जी और हम लोग कोई नाराज नहीं है, सब लोग एकजुट होकर के हम लोग काम कर रहे हैं। सर, सुशील मोदी कह रहे हैं कि लालू यादव से ललन सिंह की दोस्ती बढ़ गई है, इसलिए नीतीश कुमार हटाना चाहते हैं ललन सिंह को। 29 तारीख को जेडीयू कार्यकारिणी की बैठक का परिषद फालतू इस बात। सब ठीक है सर, इंडिया में ऑल इज वेल है सर। ईडी का समन भेजा गया है सर, आपको कल आपको बुलाया गया है और 27 को तेजस्वी जी को बुलाया गया। अगर वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी, तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतनी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कली 9386816700। धन्यवाद।